नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल CKR किचन में। मैं हूं चंद्रकांता राजपुरोहित और फिर हाजिर हूं एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बना रहे हैं पानी पूरी वाली पूरियां, यानी कि जो हम पानी पताशे खाते हैं उनकी पताशे आज हम बनाने वाले हैं। तो इसको सभी जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं पे पूरी बोलते हैं, कहीं पे पताशे, कहीं पे पुचका बोलते हैं, तो वही आज हम बनाने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये हमने ले ली है 1 कप के करीब सूजी यानी कि रवा, और यहाँ सूजी को हमको बारीक वाली सूजी जो आती है वो हमको यूज करनी है, मोटी सूजी यूज नहीं करनी है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो सूजी को आप मिक्सी में 3-4 बार थोड़ा सा उसको घुमा लें, पीस लें उसको, तो आपकी सूजी बिल्कुल बारीक हो जाएगी। तो ये हमने बारीक सूजी ले ली है 1 कप के करीब। अब इसमें हमको मोइन डालना है ऑयल का, और इसमें हमको ध्यान रखना है कि इसमें नमक वगैरह कुछ भी हम यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही इसका आटा तैयार होता है, तो इसमें हम मोइन डालते हैं। तो मोइन हमको उतना डालना है कि एक बार सूजी को मिक्स करने के बाद मुट्ठी में बंध जानी चाहिए सूजी। तो हम पहले 2 चम्मच के करीब, ये बड़े साइज का मैंने टेबल स्पून की तरह जो स्पून है वो लिया है, 2 चम्मच मैंने ऐड किया है। तो एक बार इसको हम मिक्स करके चेक करेंगे, इस तरीके से मसल मसल के जो है चेक कर लेंगे हम। तो ये हमने ऑयल को अच्छी तरीके से सूजी में इस तरीके से मसल मसल के मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए पूरी सूजी जो है एकदम ऑयल से चिकनी हो गई है, और हाथ में लेके हम इस तरीके से इसको दबाते हैं तो ये बंध रही है सूजी, आपस में चिपक रही है, इस तरीके से बाइंड हो रही है। यानी कि इतनी सूजी में 2 चम्मच ऑयल बिल्कुल सफिशियंट है, इससे ज्यादा हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो अब इसको हम डो लगा के रेडी करेंगे। तो डो लगाने के लिए जो है हमको गुनगुने पानी से थोड़ा सा तेज गर्म पानी चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुनगुने पानी से थोड़ा सा तेज गर्म पानी करके लिया है। तो एक बार थोड़ा सा पानी इसमें डालते हैं और इसको मिक्स करते हैं। तो ये डो जो है हमको बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा हार्ड हमको नहीं लगाना है, क्योंकि सूजी बहुत ज्यादा पानी पीती है। तो पहले से ही अगर हम हार्ड डो लगा देंगे तो बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा, तो फिर पूरी हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे, और बिल्कुल सॉफ्ट है इसका डो लगा लेंगे। तो ये देखिए ये इसका बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट हमने डो लगाया है इस तरीके का। थोड़ा सा इसको मसल के गूंथ लेते हैं, और ये हमने इकट्ठा कर लिया है। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के इसको थोड़ा ऊपर से गीला कर लेंगे इस तरीके से, और इसको हम किसी भी कॉटन के कपड़े से इसको हमको ढक के रखना है। 15 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे। तो यहां हमने कॉटन का कपड़ा लिया है, और कपड़े को मैंने गीला करके निचोड़ लिया है फिर से, तो इससे मैं इसको कवर कर दूंगी इस तरीके से, और 15 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं हमारे सूजी के डो को रेस्ट करते हुए। तो अब इसको हम हाथ से मसल मसल के चिकना करेंगे, लगभग 5 से 7 मिनट तक हमको इसको लगातार मसलना है, तभी आटा बिल्कुल चिकना हो पाएगा। इस तरीके से इसको इस तरीके से रेगुलर हमको मसलना है, एकदम आटा चिकना ना हो जाए तब तक हम मसलते रहेंगे। तो थोड़ा सा ये मेहनत का काम है, लेकिन इससे पूरियां आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगी, तो ये करना बहुत ही जरूरी है। चाहे तो आप दोनों हाथ का भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, डो को उठा उठा के इस तरीके से करते जाएंगे। तो ये देखिए लगभग 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको लगातार मसलते हुए बिल्कुल चिकना कर लिया है आटे को। बिल्कुल इस तरीके का हमारा चिकना आटा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट आटा, और इस तरीके से हम इसको बाइंड करें तो कहीं से भी दरारें नहीं होनी चाहिए आटे में। तो ये बिल्कुल परफेक्ट चिकना आटा बनके तैयार हो गया है। तो अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हम तोड़ लेंगे, और बाकी की पोर्शन को हम फिर से गीले कॉटन के कपड़े से इसको कवर कर देंगे।
आटा बिल्कुल भी हमारा जो है सूखना नहीं चाहिए, ये बहुत ही जरूरी बात है। और जो पोर्शन हमने लिया था उसको थोड़ा सा हम गोल शेप दे देंगे, उसको सिलेंडर शेप में कर लेंगे और इस तरीके से छोटी छोटी से हमको लोइयां तोड़नी है, इस तरीके की छोटी छोटी लोइयां। तो कोशिश करें कि सारी एक ही साइज की हो इस तरीके से, तो एक साथ बहुत ज्यादा हमको लोइयां नहीं तोड़नी है, थोड़ी सी लोइयां तोड़ लेते हैं हम और फिर हमको जब वापस जरूरत होगी तो फिर से हम तोड़ेंगे ताकि लोइयां हमारी सूखे नहीं। तो ये इस तरीके से हमने सारी जो है लोइयां तोड़ ली है। और इनको भी हम गीले कपड़े के अंदर ही रखेंगे, तो जरूरत के हिसाब से एक एक हम लेते रहेंगे कपड़े को ऊपर करके, ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट रहे। और दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, तो एक बार ऑयल गर्म हो जाए तो हम पूरियों को बेलना शुरू करेंगे, पहले से बेल के हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो ऑयल हमारा लगभग गर्म हो गया है, 2-3 मिनट का समय और लगेगा तो हम पूरियां बना लेते हैं। तो हम टुकड़ों में से एक टुकड़ा लेंगे और दूसरों को हम फिर से ढक देंगे ताकि सूखे नहीं, और हाथ से इस तरीके से घुमाते हुए एकदम चिकनी गोल लोई बना लेनी है इसकी, इस तरीके से। और जहां हम बेल रहे हैं प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप ऑयल डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल हम बेलन पे भी लगा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर ऑयल को फैला लेंगे थोड़ा, ताकि पूरी को जो बेलने में हमको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, आसानी से अच्छी पूरी बेल के तैयार हो जाए। और ये चिकनी सी लोई जो हमने तैयार की थी उसको इस तरीके से रखेंगे, हल्का सा उसको दबाएंगे और बहुत ही इजी है बेलना, तो इस तरीके से करेंगे और एक बार इस तरीके से बेल देंगे तो ये हमारी पूरी बिल्कुल रेडी है। चाहे तो गोल बेल सकते हैं और चाहे तो ओवल शेप में भी बेल सकते हैं। और इसको उठा के और यहां रख देंगे और इसको भी हम गीले कपड़े से थोड़ा सा ढक देंगे ताकि सूखे नहीं, सूखनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इसी तरीके से और भी पूरी हम बेल लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी पूरी भी बेल के बिल्कुल रेडी है, इसी तरीके से बेलना है और इक्वल बेलें, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं करेंगे। और इसको भी ढक देंगे, तो इसी तरीके से 4-5 पूरियां बेल लेते हैं, बहुत ज्यादा एक साथ नहीं बेलेंगे। तो यहां आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि पूरी को बहुत ज्यादा दबाव देके आपको नहीं बेलना है, हल्के हाथ से बेलना है ताकि पूरी बीच में से बहुत ज्यादा पतली ना हो। गरम हो गया है तो इसमें हमको तेज गरम ऑयल चाहिए, तो इसमें हम एक एक करके पूरियां डाल देंगे। हल्का सा पूरी को इस तरीके से ऑयल में प्रेस करेंगे, हल्का सा दबाएंगे ऑयल में ताकि पूरी काफी अच्छी फूल जाएगी। या तो हम 3 से 4 पूरियां बेल के रख लेंगे या फिर एक एक पूरी भी आप बेल के तुरंत भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम गैस को थोड़ा सा मीडियम रखेंगे तो देखिए बहुत ही अच्छी हमारी पूरियां फूल कर आई है। और हल्का सा हम एक तरफ से इनको थोड़ा सा कुरकुरा होने देंगे, एक तरफ से अच्छे क्रिस्पी होने के बाद इनको हम पलट लेंगे। और एक साथ बहुत सारी पूरियां हम ऐड नहीं करेंगे, 4-5 करके हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तो इनको पलट लेते हैं हम, तो देखिए बहुत ही शानदार इनका कलर आ गया है। तो दोनों तरफ से एकदम बढ़िया कलर आ जाएगा, तब तक इनको हमको
डीप फ्राई करना है। तो ये देखिए, ये हमारी सूजी की शानदार पूरियां डीप फ्राई होकर रेडी हो गई है। देखिए बहुत ही एकदम मार्केट की तरह क्रिस्पी करारी बनके रेडी हुई है। एक्स्ट्रा ऑयल हम इसका निथार देते हैं और इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सारी पूरियां डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हम तुरंत एक एक पूरी बेलकर भी डीप फ्राई करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी पूरियां हमारी बनेगी। तो ये तुरंत हमने एक पूरी बेली है और तुरंत ही इसको हम ऑयल में डाल देंगे। तो बहुत ही अच्छी पूरी हमारी फूल के रेडी होती है। हल्का सा इसको ऑयल में हम इस तरीके से दबाएंगे और ये देखिए बहुत ही शानदार पूरी हमारी तैयार हुई है। इसी तरीके से एक एक पूरी बेल के हम चार पांच पूरियां इसमें डाल देंगे ऑयल में। तो देखिए बहुत ही अच्छी सूजी की पूरियां हमारी तैयार हो रही है। जो हमने पहले डाली उन पूरियों को हम पलट लेंगे। जितना आप आसानी से पूरी को हैंडल कर सके उतनी आप एक बार में डाल सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा पूरियों को बेल के हमको नहीं रखना है। अगर वो ड्राई हो जाएगी तो फिर बिल्कुल भी फूलेगी नहीं आपकी पूरियां। अगर आप चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं, एक मेंबर अगर फटाफट से बेलता जाए और एक जना अगर फटाफट तले तो ये फटाफट से बनके तैयार हो जाती है और बहुत इजी हो जाता है बनाना। तो देखिए हमारी एक एक पूरी जो है फूल के तैयार हो रही है। तो हल्का सा इनको एकदम कुरकुरी हो जाने के बाद हम निकाल लेंगे। तो इनको ऑयल में इस तरीके से घुमाते हुए अच्छी तरीके से तल लेंगे। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। पूरियों को डालते हुए आप एकदम हाई फ्लेम रखें और पूरी के फूलते ही फ्लेम को मीडियम कर लें। मीडियम फ्लेम में इनको थोड़ा सा पलटते हुए डीप फ्राई करेंगे तो एकदम अच्छी कुरकुरी करारी हो जाएगी। तो ये भी बैच हमारा रेडी है, तो निकाल लेते हैं। सूजी की जो पूरियां होती है उनका कलर बिल्कुल ऐसा ही होता है मार्केट में भी, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होता है। जो डार्क कलर की पूरियां होती है वो आटे से बनाई जाती है, गेहूं के आटे से। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये हमने दो बार में इतनी पूरियां डीप फ्राई करके रेडी करी है। तो इसी तरीके से हम फटाफट से सारी पूरियां बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए पानी पूरी की सारी पूरियां हमने डीप फ्राई करके रेडी कर ली है। 2-3 मिनट के लिए इनको हमने ठंडा कर लिया है ताकि अच्छी क्रिस्पी करारी हो जाए। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट पूरियां हमारी बन के रेडी हुई है। तो मैं आपको एक दो पूरियां तोड़ के बताती हूँ। एकदम बिल्कुल मार्केट की तरह ये एकदम क्रिस्पी और करारी बन के रेडी हुई है। देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट शानदार पानी पूरी हमारी बनके रेडी हुई है। तो रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आया है अगर आपको वीडियो तो लाइक जरूर करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। इसी तरह की और भी नई नई रेसिपीज को देखने के लिए आप यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।